रुख करते हैं सरगोधा का, जहां सरगोधा में तनसाजी के मुकाबला जात पूरा शहर जिना हाल में उमड़ आया। तनसाजों ने अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन के दिल लूट लिए। ढोल की थाप पर रक्स भी क्या, इस हवाले से मुझे जानता है बिग न्यूज के एंकर सैयद अनवर किस रिपोर्ट में। जी मैं मौजूद हूं इस वक्त जिना हाल में, जहां पे सरगोधा बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन की जानिब से सरगोधा डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन में मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें बहुत से बॉडी बिल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया। इस वक्त मिस्टर जूनियर सरगोधा डिवीजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो टाइटल जीत के कैसा महसूस कर रहे हैं और इस मौका पर वो क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत ही खुशी, उस्तादों की मेहनत, माँ बाप की दुआएँ, बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे टाइटल जीत के, ओवरऑल मिस्टर डिवीजन बन के। खुशी का ये आलम है कि इनके मुंह से बात नहीं निकल रही, इसलिए कि कामयाबी जो है वो इसी तरह से इंसान को पुरमुसरत कर देती है। इस वक्त उनके कोच हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस बच्चे को कैसी तैयारी की और आगे फिर पंजाब के मुकाबले आ रहे हैं, पाकिस्तान लेवल के मुकाबले आ रहे हैं, तो उसके लिए इनकी क्या तैयारियाँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज सरगोधा बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के तहत जो मुकाबला हुआ उसमें इस बच्चे साद खाली ने पूरे डिवीजन में जूनियर में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और पिछले एक साल से मुसलसल ये तैयारी में था इस कंपटीशन के लिए, और इंशाल्लाह आगे आने वाले जो कंपटीशन है पंजाब के और पाकिस्तान के उनमें भी ये भरपूर हिस्सा लेगा और उम्मीद है पोजिशन भी लेगा। शुक्रिया। तनसाजी कोई आसान काम नहीं, और ये वही लोग करते हैं जो इस सेहतमंद माशरे को जन्म देना चाहते हैं, जो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने सरगोधा डिवीजन का मिस्टर सरगोधा होने का इजाज़ अपने नाम किया और पंजाब के लिए भी ये तैयारी कर रहे हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे यही कहूँगा कि ये अच्छी एक्टिविटी है, सबको इसमें भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। मैं तो लोगों से हैरान होता हूँ कि वो लोग इसको उल्टा, मतलब इस काम को सब डीमोटिवेट ही करते हैं, मोटिवेट कोई नहीं करता। अच्छा काम है, हम तो लोगों की सेहत के लिए मोटिवेशन बन के आते हैं, यहाँ पे खेलते हैं, लेकिन लोग हमें हमेशा डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, ये ऐसे ना करो, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हालांकि हमें पता है कि इससे अच्छी एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे इस वक्त गहमा गहमी का आलम है, ढोल की थाप पे रक्स किया जा रहा है और ये खुशियाँ ये पाकिस्तानी कौम के लिए तोहफा है, इसलिए कि सेहतमंद सरगर्मियाँ ही इंसान और कौमों की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। सैयद अनवर, बिग न्यूज़, सरगोधा।